लगता है मेरे मालिक, मैं इतनी दूर जंगल का रास्ता पकड़ते ढूंढते आई लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। थोड़ी दूर जंगल का रास्ता है, चलकर देखती हूँ मेरे पति कहाँ पर हैं, कहाँ ले गए हैं लोग। तुम्हारी क्या हालत हो गई है? अभी तुम जिंदा हो दुनिया में? हाँ स्वामी जी। तो जालिमों से बताओ तुम कैसे बची? मैं तो समझा था तुम मिल सकोगी नहीं, और सच बताओ नहीं छिपाओ प्रिय, तुमसे मिलने को बेचैन है दिल मेरा। उन जालिमों से तुम कैसे बची प्रिय, कैसे बची? स्वामी जी मैं आपके पास कैसे बच गया हूँ मैं बता रही हूँ। करने में जा रही आत्महत्या सुनो, राजा जसवंत आके बचाए मुझे, उनका बेटा वहीं खो गया नौजवान, ढूंढते ढूंढते वो थे आए वहाँ, उनका बेटा स्वामी जी। क्या कहा प्रिय, तुम्हें कौन बचाया उस बियाबान जंगल में? मैं उसी जंगल में मैं अपने हाथों से अपने हाथ आत्महत्या करने जा रही थी, तो मुझे महाराज जसवंत सिंह ने आके बचाए क्योंकि उनका बेटा उसी जंगल में खो गया था। क्या प्रिय ये जानती हो कि वो कहाँ के महाराज हैं? वो महाराज फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। फर्रुखाबाद के महाराजा जसवंत सिंह? हाँ। तो जिसने आकर बचाया तुझे है प्रिय, दरअसल वो पिताजी हमारे रहे, उनका बेटा हूँ मैं, वो पिता है मेरे, जिसने बरसों से ये बिताए हैं मैं। प्रिय मैंने बरसों से अपनी जिंदगी जंगल में बिताया, वो हमारे पिताजी हैं जिसने तुम्हें बचाए हैं। मैं समझ न पाई हूँ कुछ माजरा, सब शब्दों में स्वामी जी समझाइए, आप वापस गए क्यों न अपने मका, जल्द बतलाइए जल्द बतलाइए। स्वामी जी क्या आप कह रहे हो आपके पिताजी हैं वो? इन्हीं आप महाराज के लड़के हैं तो बताओ आप अपने घर वापस क्यों लौट कर नहीं गए, मैं जानना चाहती हूँ। अगर ये जानना चाहती हो प्रिय तो बहुत ये बड़ी कहानी है। ठीक है स्वामी बताइए कैसी बात है। मैं ये कोढ़ी नहीं था, ये रोग मेरे नहीं था प्रिय, मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया। ये काफ़ी दिन की बात है प्रिय, शिकार कोई नज़र नहीं आया, शाम का वक्त होने को आ गया तो मैं खाली हाथ कैसे वापस जाऊं यह सोच करके शिकार की तलाश में शाम के वक्त झाड़ी पे बैठ गया। जब झाड़ी में बैठ गया तो एक झील दिखाई दी, वहीं पर एक हिरण पानी पीने आया और पास में ही बाबा
जल भरने के लिए तालाब आए थे झील में, मैंने गोली हिरण पर चलाया, लेकिन वो गोली जाकर के महात्मा जी के लगी और वो भगवान को प्यारे हो गए। स्वामी जी तो अनर्थ हो गया। प्रिय जोगन अपने पति की लाश पर तड़प तड़प करके रो रही थी, मैंने अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगने गया, लेकिन वो क्रोध में पागल होकर मुझे श्राप दिया कि जैसे आज मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ पापी जोगी के हत्यारे, वैसे मैं ये श्राप देती हूँ कि तू अपनी मंजिल भूल जाएगा और तेरे बदन में कोर हो जाएगी और घुट घुट करके तड़प तड़प करके तू अपनी जिंदगी बिताएगा। उसी समय से प्रिय मैं अपने नगर की राह भूल गया, भटकते भटकते आपके नगर में पहुंचा और ये बदन में कोर हो गई। प्रिय तब से ये मेरे जीवन की कहानी रही। स्वामी जी लेकिन जोगी और जोगर रहते कहाँ थे? इस पहाड़ी पर उनकी झोपड़ी है, वहीं रहते थे। मारे बहुत जोर प्यास लगी है प्रिय। ठीक है स्वामी जी, आप चलिए उस वृक्ष के पास बैठिए, मैं आपको पानी लेकर आती हूँ। तो ठीक है प्रिय, मैं चढ़ा हूँ इस वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और मुझे पानी पिला दो। ठीक है। महाराज जी, जब से बाबा मर गए महाराज जी, हाँ गली गली ऐसे भटक रहे हैं आप, हम आप महाराज जी, कष्ट तो आपको बहुत होगा। बच्चा इसमें कष्ट क्या बात है, तुम तो मेरे साथ में हो। साथ में तो ही महाराज जी, जेवन बाबा के साथ में मन आनंद आवत रहा, वो हमारे साथ आनंद कैसे है, एक के साथ बैठ गए आप खा रहे हैं। तो आप भी दिखा रहे हो बच्चा, आप बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा आपका सेवा कर रहे हैं महाराज जी। क्या बात है? एक बात कही ऋषि आबू तुमने। बोलो क्या बात है ऋषि आई जाबू। बच्चा कुछ बोलोगे? यह कहवाइया ही महाराज जी ऋषि आबू तुमने। अरे कुछ बोलो क्या बात है? बाबा वाली जगह ही हमका दे दे तू छेला, उन्हीं जगह पर तो है तुम। नहीं नहीं सब अब हमका रामा जी दास कहा थी, अगर बाबा वाली जगह मिल जा तो हम सब बाबा कहे लगते हैं, हमारो मान सम्मान होत महाराज जी। कुछ काबिल हो जाओगे सब कहने लगेंगे। अबे काबिल नहीं ना, अबे यार खाए, अबे कुछ दिन खाई पी उठ रहा बच्चा। महाराज वो देखो सामने गांव दिखाई दे रहा है, गांव दिखाई पड़ रहा महाराज। चलो चुटकी मांगे। हाँ तो भौरी बनाए और खाएं। हाँ चलो वही चुटकी काटी तो मिले खाए के। चुटकी काटे नहीं, चुटकी मांगे यानी आटा। आटा मांगे बिच्छा। ठीक है महाराज चलो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुखी भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुखी भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन बचा लिया, जान बचा ली लड़की ने। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्ची। महाराज प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो, खुश रहो। लेकिन बेटी इस जंगल में तू कैसी? अगर तू आज नायक होती तो मेरी जिंदगी नहीं बचती। बच्चा रामदास जी, मेरे पति जी की प्यास लगी थी, मैं पहाड़ी के पास तालाब में पानी के लिए आई थी, आप लोग की आवाज सुनकर मैं अगर ना आती तो जिंद लोग तुम्हें खा डालते महाराज। हाँ बच्ची अगर तुम पानी बात है वो साले हमको खा जाते, बबाई अकेली रह जाती, इनको भी साले खा जाते। मेरे कमंडल में जल है ले जाओ
और अपनी पति को पाल पिलाओ। ठीक है गुरुदेव। बेटी क्या है महाराज? तुमने आज मुझे नया जीवन जान दी है। हाँ। इसलिए मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूँ। हाँ। जो तुम्हें मांगना हो तुम मांग सकती है, मैं तुझे याद दूंगी। क्या कहा महाराज, जो मैं मांगू वो आप देने के लिए तैयार? हाँ है। बेटी जरूर दूंगी। लेकिन जो मांगो, रुपया पैसा सोना चांदी टाटी लोटा गिलास बच्चे रामदास ये सब नहीं, चाहे जो मांगे सब दे देंगे जी, जान बचाई है बच्ची ने। लेकिन महाराज ऐसे मैं नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि आप पहले मुझसे तीन का तिरवाजा करिए कि बेटी जो तुम मांगोगे मैं दूंगी दूंगी दूंगी। क्या मेरे पर तुम विश्वास नहीं बच्ची? नहीं महाराज, पहले आप मुझसे तीन का तिरवाजा कर दीजिए। ये बात है, मैं तीन का तिरवाजा दे रही हूँ। ठीक है महाराज। बेटी जो तुझे जो तुम मुझसे आज मांगेगी मैं तुझे दूंगी दूंगी दूंगी। ठीक है महाराज, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं मांग सकती। तो आप चलिए मेरे पति जी के पास, जो कुछ मांगना मैं वहीं पर मांगूंगी। ठीक है रामदास जी, बेटी के साथ चलो। चलिए गुरुदेव। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी नाम गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी नाम गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मगलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी। चलो बेटी चलो महाराज जी चलो। या भगवान प्यास से बिकल हूँ, मुझसे कहकर गई कि मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए, इतना टाइम हो गया अभी तक पानी लेकर के नहीं। प्रभु क्या ये दुख ये दिन कब मेरा दूर होगा? और ये हम ही न पार बीती हम ही न पार बीती हम न पार बीती हम जानी हम गिन पार बीती हम जानी चांद सूरज दुनिया के मालिक चांद सूरज हम जानी हम गिन पर बीती हम जानी राम पर बीती लखन पर बीती राम पर बीती गए वनवास सीता हम जानी हम गिन पर बीती ब्रह्मा पर बीती विष्णु पर बीती ब्रह्मा पर बीती हम जानी हम गिन पर बीती हम जानी भगवान थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी पानी लेकर तो मैं खुद जाऊंगा।
पत है, ये चंदा तुम्हारा पति है, अच्छा रामदास। ये देखो तुम्हारे बाबा कातिल कौन, ये सामने बैठे हुए देखो, ये साल बाबा का मारे से। लेकिन बेटी ये तुम्हारा पति, रुको 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 रुको, नहीं बाबा के मारे साला। महाराज ऐसा मत कीजिए, बाबा का मारे है। लेकिन बेटी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा पति है। हमारे पति जी है, माँ बोलो, माफी करी दो, खता है मेरी प्रार्थना, माफी कर दो, माफी कर दो, खता है मेरी प्रार्थना, जिससे जीवन हमारा रहेगा बना। करू आपकी सेवा बन करके दासी, करू आपकी सेवा बन करके दासी, श्राप वापस लो माँ, श्राप वापस। बेटी ये तू क्या कह रही है? ठीक है रूमा जी, ऐसा हो सकता बेटी कभी भी नहीं, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता बेटी कभी भी नहीं, श्राप वापस ना होता तू कर ले यकीन, श्राप वापस ना। तेरे आगे हुई बेटी, आज मुझे जो नया जीवन मिला है ये तेरी कृपा से मिला है, इसलिए तेरे आगे हुई बेटी मजबूर में, तेरे आगे हुई बेटी मजबूर में, वरना परमात्मा मुझसे होगा खपा, वरना परमात्मा। बेटी अगर ये बात है तो मैं आपको वचन दे चुकी हूँ कि बेटी जो तुम मांगेगी मैं दूंगी, इसलिए मैं अपना श्राप वापस ले चल रही हूँ। महाराज तो बच्चा ये आप क्या कह रहे हैं, श्राप वापस ले रही हो? हाँ, क्या वो दिन भूल गई? कौन से? बाबा जी ने मरने से पहले कहा था, प्रिय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, अगर किसी को तुम शराब दे दोगी, कोढ़ी हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, लेकिन प्रिय अगर तुम वो शराब वापस लोगी तो दुनिया में तुम जीवित नहीं रह पाओगी। महाराज अगर शराब वापस ले लोगी तुम मर जाओगी। तुम चिंता क्यों करते हो? हम तो जीता हुई। अरे जीवन की बात, बच्चा हमें तुम्हें क्या लेने देना है? भगवती बेटो मर गए हम तुम्हारे सहारे। तुम तो पागल हो जाते हो रोते रोते। देखो आप इस बेटी को बहुत कुछ देखना है, इसलिए श्राप लेना अपना वाजिब है। हटो इधर आओ। बाबा मारो साले कोल ही राम तो का। हेलो बच्चा रामदास, बच्चा रामदास, ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखो मुझे कौन बुला रहा है? कौन? ओ देखो, बच्चा रामदास। ये तो जो मेरे बदन में जलन थी वो तो दूर हो रही है अब। लेकिन प्राणनाथ ये तो महाराज देखो भगवान को प्यारे हो गए। अरे मोरी गुरु आई एक दावतनी से बोली नहीं थे तू, ना बोली पावा तटू से कही देती हूँ, बाबा का मारिया बाबा इन्हें
रोटी पावा। नहीं महाराज, मैं नहीं, आपको अभी ऐसे नहीं जिंदगी में हो सकता है। बाबा खत्म हो गए, मेरे हाथ हो गए, लेकिन मैं आपकी सेवा सांसद में करूंगा। हाँ सांसद करा सारे जाओ, हम हाँ फैल जागी तू हजार सारे हम रोवासी। तो मेरा कोट ठीक हो रहा है? तू ठीक होता हम शुरू होता ही कहीं। बाबा अब रोने से कुछ नहीं होगा, जिसको जाना है। हाँ मैं जानता हूँ, जिनका समय पूरा हो जाता है कोई रोक उसे जाना ही पड़ता है। ये बात के लिए मैं मानूंगा कि चली बात से प्राण काया काहे रोई, चली बात से से प्राण काया कहे रोई, छोड़ी चला निरमोही। चली बस प्राण काया कहे रोई, छोड़ी चला निरमोही। हम जानी काया संगे जाई, यही बार काया माल माल धोई। चली बस प्राण काया कहे रोई, देखे मैं बस्ती वालों को बुलाता हूँ, चल करके ले चले इन्हें, इनका दाह संस्कार किया जाए। ओ भैया लोग। हाँ महाराज जी आइए, मैं रोज आपके यहाँ आता था, महाराजन भी आती थी आपके यहाँ, भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन तो सब कहीं जाना है महाराज जी। चल चिला तो होका कतो फूकी। फूका दिन महाराज जी। महात्मा जी हाँ, मिट्टी दिया जाए, मिट्टी ना दे हो तो क्या करोगे फिर? कहाँ लग चल पाऊ मट्टी देव? तो आप महात्मा हैं, आप बताइए प्रभु। गंगा जी? हाँ गंगा जी तो बोले न लगी आप। क्यों? वहाँ मछली मोरदा ना खाली। इनका लग चलता ही पहले नहवाऊ तो पायला लाऊ। हाँ वही में भूजा फिर काटा। अरे भूजे के बाद इनका काटा बेचब 120 रुपया किलो। अरे मां कहीं इंसान की बिकती है? महात्मा जी की बीवी है, इनके प्रसाद के लिए एक चुटकी अगर मिल जाता है तो धन हो जाते हैं। ले चलिए उठाइए, ये तो कौवा नहीं खाने पाएंगे। भैया क्यों को बुला ले अपने बस्ती में? आइए भैया, गांव वाले भैया। जय मां भवानी की। साथियों, राजकुमारी अंजू अभी तक इनाम देने के लिए नहीं आई। वो अपने आप को समझती क्या है कि शैतान से को हमने बेवकूफ बनाया। हम वो शख्स हैं जिसको भर नजर देखा वो खाक पे मिल गया। देरी मत कीजिए, इसी वक्त चलिए राजभवन, अंजू राजकुमारी से मिलना है और इनाम लेना है। ठीक है सरदार जी। देखो वो क्या जवाब देती है। अगर इनाम नहीं देगी तो? इनाम नहीं देगी तो हम वो शख्स हैं जो दुनिया में कोई किया नहीं होगा, उसको मैं करके दिखाऊंगा। आइए वक्त का इंतजार है।
पिताजी क्या सोच रखे थे कि मैं यहाँ की मालकिन नहीं बन पाऊंगी? आपने क्या कहा था कि मंजू की अक्ल के आगे तुम्हारी अक्ल खाक है। अपनी अक्ल से ही मैं यहाँ का राजताज पा चुकी हूँ और अपने ही दिमाग से मैं शैतान सिंह को अपने कब्जे में कैसे किया, अपने कब्जे में करके उससे मैंने कैसे काम करवाया और एक रुपया पैसा भी नहीं दिया। पैसे के लालच में वो इधर उधर भटकता रहा, उसे क्या मालूम कि ये मुझे पैसा नहीं मिलेगा, अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ का राज ताज मेरे सर पे है, अब यहाँ का राज मैं चलाऊंगी। रिया कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसका वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर कभी बोल नहीं सकूंगी। साथियों साथियों लो हिरासत में अंजू को कर, साथियों लो हिरासत में, साथियों लो हिरासत में अंजू को कर, तभी पूरी हो दिल की मेरे हरिश। मार हंटर से चमड़ी उड़ा दो अभी, तभी मालूम कि शैतान क्या चीज है। शैतान सिंह अक्ल शैतान सिंह क्या तेरी मर गई, अक्ल शैतान और सिंह क्या तेरी मर गई, जानता तू रियाया की मलकिन हुई, ऐसा अल्फाज जो तू कह रहा, जानता तू रियाया की मलकिन हुई। राजकुमारी जी संकान खोल के, शायद तू भूल बैठी कहावत है ये, शायद शायद तू भूल बैठी कहावत है ये, सांप को जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकर डसो नहीं भूलना चाहिए। हरामजादे हरामजादे, अगर मैं जानती कि तुम मेरे साथ में अगर गद्दारी करेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती, जहर देके तुझे मार डालती हरामजादे। और ये क्या कर रहा है तू? किससे मिलोगे तुम? किससे मिला जाती हो वो? हाँ अभी तुम बात की है? या भगवान अब मैं क्या करूं, ये हरामजादा मुझे कैद कर लिया। हरामजादे शैतान सिंह बोल, मुझे एक बार मेरे पिताजी से मिला दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी जी चल मैं तुझको मिला दू तेरे बाप से, चल मैं तुझको मिला दू तेरे बाप से, वास्ते अब खुला तेरे जिंदान है, बहुत जल्द तेरे पिताजी मिले, काहे को हो रही इतना हैरान है। साथियों छेलो सर के ताज। राजकुमारी जी जब श्वास नहीं तो आवाज कहा, जब सर नहीं तो ताज कहा। लो ताज। राजकुमारी तुम अपने बापू से मिलना चाहती हो, चल मिला दो तेरे बाप से, लेकिन तेरे लिए रास्ता जिंदान का है, वहां तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अगर तुम अपने बाप नागपाल से मिलना चाहती हो तो बहुत शीघ्र मिला दूंगा। ठीक है मुझे मेरे पिताजी से मिला दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस हराम जादी अंजू को ले जाओ, जिंदाल में डाल दो, ले जाओ। ये रहा शैतान सिंह। महाराज नागपाल सिंह अगर तुम्हारा विनाश न किया, तुम्हारी जस खिलवाड़ न किया और तुम्हें सपना न दिखाया तो शैतान सिंह की माँ का दूध हराम। वक्त का इंतजार करना, बातें बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा शैतान सिंह का ऐलान साला।